तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश में या विदेश में कहीं भी जाते हैं, एसपी सुरक्षा उनके पास है, उनका एक अलग प्रोटोकॉल चलता है, ठीक है ना। उसके बावजूद भी अगर ऐसी चूक होती है, अब आपस में कह रहे हैं कि साहब वो रोड तय नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, तीन तीन हेलीपैड बनाए जाते तो तीन तीन रास्ते तो हो सकते थे, ठीक है ना। और वही मोदी जी जनता के बीच में, आपने अभी वीडियो आ रही हैं कि फूल बरस रहे हैं, माला पहन रहे हैं, वही आम लोग उधर हैं, वही जनता थी, ठीक है। तो ये तो गुमराह करने वाली बात है। अगर तो सुरक्षा किसान रास्ता रोकेंगे क्या? नहीं, किसान रास्ता कहाँ रोक रहे हैं? वो तो अपने देश के प्रधानमंत्री से अपनी बात का जवाब मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। जहाँ देश के नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं तो इस देश का हूँ, ये देश मेरा है, मैं इस देश को नहीं मिटने दूंगा, देश को नहीं झुकने दूंगा, तो उस देश का अन्नदाता ही तो उनसे सवाल कर रहा है। देश का अन्नदाता उनसे सवाल पूछने के लिए बैठा है। आप उनसे सिंगो बॉर्डर पे नहीं मिले, आप उनसे गाजीपुर बॉर्डर पे नहीं मिले, आप उनसे लखीमपुर जाकर नहीं मिले। तो तमाम ऐसे मामले हैं जो किसानों के सवाल आज भी जो के तो रखे हुए हैं। अगर वो जब आप उनके पास वोट मांगना आप जा सकते हैं, आपके एमपी जा सकते हैं, लेकिन जब जनता आप या मैं कह सकता हूँ किसान जब आप सवाल पूछने के लिए आपके घर जाते हैं, आप उनसे नहीं मिलते, आपके जो कृषि मंत्री हैं वो उनसे जो है सीधे मुंह बात नहीं करते, तो फिर किसान क्या करेगा? वो पूरे देश का किसान है, उन्होंने सवाल पूछने का प्रयास करा। पहली बात जो वहाँ पर वीडियो आई है वो बीजेपी के लोग नारे मार रहे हैं, 1 किलोमीटर किसान बैठे हैं। आपकी दरियादिली होनी चाहिए ना। जब आप जो है कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री को जनता से, उस देश के नागरिक से कभी भय डर होना नहीं चाहिए। तो किस चीज़ का डर है? तो वो जो लोग वो तो कह रहे हैं कि मैं जिंदा वापस लौट पाया, वहाँ 70 लोग नहीं पहुँचे कायदे में, तो ये तो मनगंत कहानियाँ बनाई गई, क्योंकि मोदी जी फ्लॉप हो चुके थे, पंजाब सुनना नहीं चाहता, देश का नौजवान साथी जो बेरोजगार है वो इनको सुनना नहीं चाहता, देश की महिला इनको सुनना नहीं चाहती। आप पैसों पर भीड़ बुलाओगे तो वो सब पंजाब है, वो संघर्षशील प्रदेश है और वो अपनी बात को रखना जानता है, तो उन्होंने अपनी बात को रखी। तो रैली में भीड़ नहीं, इस वजह से हुआ क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ है। ये तो खामीखा हमारे देश के किसान भाइयों को, हमारे देश के भोले भाले लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि मेरी जान को खतरा है, वहाँ किसान लोग बैठ गए, ठीक है ना। आपसे पहले प्रधानमंत्री रहे मोदी जी, उन्होंने कहा कि 70% जो है देश गांव में बसता है, किसानों में बसता है, किसान को जो है सबसे बड़ा स्तंभ कहा जाता है देश को चलाने के लिए। और आज आप उनसे कह रहे हैं कि मुझे डर है, मुझे मार देंगे आप। ये वही पंजाब है ना, जब आपके 2014 में चुनाव हुए थे आप पगड़ी पहन करके नारे लगा रहे थे, आज उन लोगों से क्या हो गया? जब आप देश की संपत्ति व किसान भाइयों को उद्योगपति के हाथ बेचोगे, यानी कि 130 करोड़ की आबादी को, देश को आप 4 उद्योगपतियों में बेचोगे, तो देश से सवाल करेगा, जवाब देना होगा। आप यहाँ से बचेंगे तो वो आपको लोकसभा में बताएगा, आपको विधानसभा में बताएगा, चाहे उत्तराखंड में चुनाव हो, यूपी में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, मणिपुर में चुनाव हो, गोवा में चुनाव हो, वो जवाब लेगा आपसे। तो कहाँ भगोगे, कहाँ भग कर जाओगे? लोकप्रिय नेता तो है ना वो? नहीं है, लोकप्रिय नेता तो वो आईटी सेल से है ना। यहाँ हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ उनके पास वो लाखों लोग आईटी सेल पे काम करते हैं, जिनको ये 4 उद्योगपति चलाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित सीएम है पंजाब के, इसलिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। नहीं, मेरे हिसाब से वो दलित सीएम नहीं है, वो गांधीवादी सीएम है, क्योंकि मैं लगातार पंजाब में 3 महीने रहा हूँ। मैं लखीवीर की घटना को लेकर पूछा, जो रवैया बीजेपी का था वही रवैया कांग्रेस का है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अगर वो दलित होते या SC कम्युनिटी से होते, और मैं कह सकता हूँ जब आप संवैधानिक कुर्सी पर सबके हैं, आप क्यों लखवीर से जाकर नहीं मिले तारा तरंग जिले में? आपने क्यों उस परिवार से बात नहीं करी जो आज भी अन्याय की गुहार लगा रहा है? हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमने सेक्टर 17 के जो स्टेडियम चौराया, हमने वहाँ प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री से मिलने का हमने प्रयास किया, इतनी हमारे वहाँ 1000 लोग थे, उससे ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी, वहाँ मुख्यमंत्री साहब मिलने नहीं आए, ठीक है। तो दोनों का रवैया सेम है? सेम है। यहाँ कोई मानववादी अंबेडकरवादी अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, खास करके पंजाब में, इसलिए लोगों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है। वही हाल प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने देश की बात करी, देश की आवाम की बात करी, जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने वो तुरंत जो है 4 उद्योगपति को हाथे बिक गए, और आज देश को कहीं ना कहीं अंदर का कहता धकेला जा रहा है। प्रियंका गांधी यहाँ तो दलितों के लिए यूपी में तो बहुत लड़ती हैं वो तो। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, वही प्रियंका गांधी अगर यूपी में लड़ती है जहाँ सरकार नहीं है उनकी, तो जब क्या होता है, जब हमारे जो है राजस्थान में तो उनकी सरकार है,
वहीं मेरे ऐसी समाज के लोगों को उनके गुप्त अंगों में पेट्रोल लगे मारा जाता है, उफ तक की आवाज़ नहीं आती। अभी फिर बरात पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, उसके बाद फिर किसान जो है मजदूर लोगों को मारा जाता है। और पंजाब में तो फिलफ्लैश है इनकी, क्या आपत्ति है, मुख्यमंत्री भी चेंज कर दिया उन्होंने, फिर भी लखबीर से नहीं मिले, बेदबी के नाम पर मारा गया। तो सिर्फ दलितों का प्यार आपको यूपी दिख रहा है कि यहाँ पर मायावती जी हैं? आपको जहाँ जहाँ आपकी स्टेट है वहाँ वहाँ पर नहीं दिखाई देता? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, लड़ना चाहिए, ना सकती हूँ आगना आना चाहिए, लेकिन जब आप जिस समय आप सोने की थाली में और सोने चम्मच से खाना खाती थी ना, जब इस देश की बिटिया संघर्ष कर रही थी, और मैं उंगलियों पर गिनवा दूंगा, हमने फूलन देवी को भी देखा, हमने झलकारी बाई को देखा, उससे बड़ा उदाहरण तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। वो महिला थी, वो लड़ सकती थी, जब तो आज वो सबसे बड़े प्रदेश की आचार मुख्यमंत्री बनी और तीसरे नंबर की पार्टी बनाई। रवैया क्यों है फिर कांग्रेस का? अपने अपने राज्यों में अत्याचार दलितों पर होता तो आवाज नहीं उठाते। देखिए यूपी यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और प्रधानमंत्री देश का कोई भी हुआ यहाँ से होकर निकलता है, तो वो कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है, किसी ना किसी तरीके से दलित वोट बैंक को अपनी तरफ कर ले, ये वो प्रयास कर रही है कि इसमें सैन लगा लें, लेकिन वो भूल गई हैं, ये आज़ादी के समय का दलित नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 21वीं सदी का लोग हैं, जिन्हें आप उन्हें SC कह लें या दलित कह लें, ये जानते हैं कौन हमारा कौन पराया है, हम दुश्मन को पहचानते हैं, दोस्त को भी पहचानते हैं। तो प्रियंका गांधी जी मेहनत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज हम पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, आज हमारा समाज पढ़ा लिखा वर्ग है, आज हमारी बहन बेटियाँ जो हैं वो पढ़े लिखे वर्ग हैं। आप कितने नारे लगा लो कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो 80 के दशक से लड़ती आ रही हैं, इनको जवाब दे रही हैं, ठीक है, उससे पहले जो है फूलन देवी ने जो है अपने उस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ दिया, जब कहाँ चले गए थे ये लोग? तमाम दलित दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, कोई कांग्रेस में, कोई BJP में जा रहा है, क्या दलितों का हित है इन पार्टियों में? देखिए जो व्यक्ति अम्बेडकरवादी विचारधारा रखता है, जो लोग संविधान बाबा साहब मान्यवर कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, उनका एकमात्र अपना घर है, चाहे वो उसके अंदर रहें बाहर रहें, लेकिन वो उस घर को मजबूत करेंगे, जो हमारा बहुजन मूवमेंट, जो मानवर काशीराम साहब ने जिसको जन्म दिया, जो काशीराम साहब ने बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। कह रहे हैं सपा में हम बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। देखिए सपा में जो लोग गए हैं, हो सकता है उनमें उनका व्यक्तिगत उज्ज्वल भविष्य दिखता हो, लेकिन सपा के जो पूर्व के कुछ काम ऐसे रहे हैं, जैसे प्रमोशन में आरक्षण हुआ या उससे पहले जो आरक्षण का बिल फाड़ा गया, आप अगर उनको देखें तो आज हर कोई पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए अपने जो है राजनीतिक दाव पेच लगा रही है, लेकिन ये तो समाज को तय करना है, उस वर्ग को तय करना है जिन्होंने पूर्व में शासन देखा हो कि बसपा का शासन कैसा था, सपा का शासन कैसा था। सपा शासन में बाबा साहब सबसे ज़्यादा अंधेरे में रहे, पार्कों में लाइटें भी काट दी नहीं थी सपा। तो मैं वही कहा ना कि ये समाज को तय करना है कि कहाँ किस शासनकाल में सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, किस शासनकाल में सबसे ज़्यादा जो है स्कॉलरशिप बच्चों की नहीं आती थी, किस शासनकाल में प्रमोशन का आरक्षण बिल फाड़ा गया, किस शासनकाल में जो है बाबा साहब बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा को तोड़ा गया, किस शासनकाल में आपने बताया कि पागल लाइट काट दी गई, किस शासनकाल में जो है मायावती की मूर्तियाँ तोड़ी गई लखनऊ में, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि सोच में खाकर बिल्ली हज को चली, अगर आप लोग हमारा लगातार उत्पीड़न करते रहेंगे फिर तुम जो है एक गंगा जल छिड़क के आ जाएंगे, डुबकी लगा के आ जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। पर अब तो सब बाबा साहब की बात कर रहे हैं ना, करनी पड़ेगी, यही तो भोजन मूवमेंट है, यही तो अम्बेडकरवादी मूवमेंट है। ये वही लोग थे कुछ लोगों ने जिन्होंने कहा कि अम्बेडकर को खिड़की दरवाजे बंद कर दो लोकसभा में ना घुस पाए, जो नारे लगाते थे बड़े लंबे लंबे, और आज उनकी मजबूरियां बन गई हैं कि बाबा साहब को लगाना है बैनर पे, बाबा साहब की जयंती है, वो झूठी मना रहे हैं, उनके मन में कुछ और है और दिखते कुछ और हैं, लेकिन मजबूरी हैं, क्योंकि आज भोजन मूवमेंट, आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खड़े हो गए हैं अपने आप को मनवाने के लिए, और अम्बेडकरवाद वो नहीं है जो सिर्फ एक कम्युनिटी मान रही हो या उसे मनवाने का प्रयास किया जा रहा हो, वो अम्बेडकरवाद है जो अपने हक की बात करे, अपने मौलिक अधिकारों की बात करे, वो अम्बेडकरवाद है। तो आज जो अम्बेडकर का दिखावा कर रहे हैं, हमने वो दिन भी देखे हैं कि जहाँ एक तरफ 14 अप्रैल आती है तो पेपरों में इश्तिहार तो आते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो फोटो होते हैं उनके बैनर पर नहीं होते, बस लिखा जाता है 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, उसके बाद में जो है परमिशन नहीं दी जाती हैं, कलर देख के परमिशन दी जाती हैं, तो बिल्कुल दी जाती हैं कलर देख करके। तो ये समय तय करेगा, समय के साथ साथ लोगों को तय करना है कि हमारा हित बदलाव हो रहा है, पहले गांधी के नाम पे चुनाव लड़ा जाता है, अम्बेडकर के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं ये बदलाव है, सिर्फ अम्बेडकर साहब ही नहीं,
आज उस हर उस महापुरुष के लिए नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है जिन्होंने अपनी आहुति दी, अपना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने में। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, ललित यादव, पैरे साहब, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, जो देश के हर कोने से जो हमारे सोल्जर हुए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उनको उनके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आज ज़रूरत है ऐसे महापुरुषों को लेकर चलने की अगर आप अच्छे देश का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन उसमें सब प्रिय सबसे आगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, क्योंकि उन्होंने एक जाति मजहब के लिए नहीं पूरे देश के हर उस वर्ग के लिए काम किया जो अपने आप को ठगा महसूस पीड़ित सोचे समझता था, जिसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं था। कुछ लोग अपने लिए लड़ते थे, लेकिन हमारे जो हैं बाबा साहब, मैं हमारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा लगाव ज़्यादा है, क्योंकि अगर आज हमें अधिकार है तो बाबा साहब की देन है। अब मेरी अपील है उन लोगों से भी कि जो लोग आज बाबा साहब को अपना नहीं मानते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय से हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, कि आप बाबा साहब को पढ़ें और महसूस करें कि उन्होंने किस किस के लिए कितना कितना करा है। तो चुनाव लड़ा जाएगा बाबा साहब के नाम पर। अभी आप देखिए, अभी तो माननीय काशीराम साहब की कुछ समय बाद, मैं कह रहा हूँ ये इंटरव्यू इतिहास गवाह होगा, कि कुछ लोग आने वाले मैं 5 साल बाद 10 साल बाद माननीय काशीराम साहब की फ़ोटो भी लगाएंगे, क्योंकि मजबूरियाँ बनेंगी, क्योंकि काशीराम साहब जो है वो आइकॉन है। बाबा साहब को अगर आगे बढ़ाने काम किया और उनको घर घर पहुँचाने काम किया तो माननीय काशीराम साहब ने किया।